अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था, सेल एंड टिश्यू। लास्ट टाइम जो है हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। कि सेल थ्योरी जो हम कहते रहते हैं, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये किसने बताया था और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने क्या क्या रोल प्ले किया था सेल थ्योरी को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें ज़्यादातर बायोलॉजी की हिस्ट्री अगर देखें ना, तो एंशियंट जो ग्रीक्स थे ना, वो सबसे ज़्यादा नेचुरल वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करते थे डेटा नेचुरल वर्ल्ड के बारे में। ठीक, तो एंशियंट ग्रीक्स जो है वो ज़्यादा पॉपुलर थे। अच्छा, उसमें जो सबसे पहला साइंटिस्ट था अरिस्टोटल, उसने जस्ट एक आइडिया दिया था कि ऑल एलिमेंट्स एंड प्लांट्स आर सम हाउ रिलेटेड, कि एनिमल्स और प्लांट्स किसी न किसी तरह रिलेटेड ज़रूर हैं। फिर ठीक है, फिर यहाँ से हमें ना एक हिंट मिला था वहाँ से कि इन दोनों के दरमियान जो है ना रिलेशन क्या है, सिमिलैरिटी का, कि कोई ना कोई दोनों में सिमिलैरिटी पाई जाती है। और वहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि इज़ देयर फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स। वही बात जो मैंने आपको कहा कि सिमिलैरिटी पाई जाती है, कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है फंडामेंटल यूनिट्स वगैरह स्ट्रक्चर का जो दोनों ऑर्गेनिजम्स का क्या है, सेम है। उसके बाद जो है 17th century में तो जो है माइक्रोस्कोप डिस्कवरी नहीं हुई थी। फिर बाद में जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई थी, तब हमें पता चला था कि जो फंडामेंटल यूनिट पाया जाता है ना दोनों का सिमिलर, वो क्या है, वो सेल है। ठीक, अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपना वर्क इसमें किया था। उस वक्त तो हमें ये तो आज हमें पता है ना कि वो सिमिलैरिटी सेल थी। जब अरिस्टोटल ने ये आइडिया दिया था, तब तो हमें नहीं पता था कि सिमिलैरिटी वो सेल है। आगे जो है भी मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवर करते रहेंगे। अच्छा, रॉबर्ट हक ने क्या कहता, 1665 में डिस्कवर किया था सेल को। सेल को इसने कैसे डिस्कवर किया था, इसने एक कॉर्क ली थी प्लांट की, किसी भी प्लांट की जो छाल होती है, जो वुड की जो छाल होती है बाहर की तरफ जो उसके स्टेम पर लगी हुई होती है, तो वो छाल जो है उसने अपनी ही माइक्रोस्कोप बनाई थी एक, और उस माइक्रोस्कोप में जब उसने स्टडी किया था ना उस छाल को, तो उसने इस तरह के कंपार्टमेंट्स देखे थे जैसे हनीकॉम्ब में होते हैं। हनीकॉम्ब कहते हैं शहद के छत्ते को। तो जैसे कंपार्टमेंट, जैसे खाने जो है हनीकॉम्ब में बने हुए थे, वैसे ही उसने कंपार्टमेंट उसने उस कॉर्क के अंदर देखे थे, जिसने उसे हनीकॉम्ब का नाम दिया था। ठीक है, अब उन कंपार्टमेंट्स को उसने क्या नाम दिया था, उन कंपार्टमेंट्स को उसने नाम दिया था सेलुलाई का, जो आज हमारे पास जो है जिस नाम से है वो सेल्स के नाम से है। सेलुलाई का नाम दिया था उसने, और अपनी ही माइक्रोस्कोप बनाई थी। अच्छा, इसके अलावा रॉबर्ट हुक जो है वो एक फिजिस्ट भी था, मैथमेटिशियन भी था, केमिस्ट, फिजिस्ट, मैथमेटिशियन। इसके पास ना मतलब जनरली ना रिमार्केबल इसके पास रिमार्केबल इंजीनियरिंग एबिलिटीज़ थी। इसकी वजह से इसने जो है देखें अपनी खुद की माइक्रोस्कोप जो है वो बनाई थी, उसमें जो है इसने स्टडी किया था कॉर्क को। इसके अलावा इसने टाइम पीस बनाया हुआ है, टाइम पीस। अच्छा, क्वाड्रेंट जो मैथ में यूज़ करते हैं हम, क्वाड्रेंट ऐसे एक्स वाई वगैरह जी वगैरह एक्सेस बनाते हैं, और क्वाड्रेंट जो है वो इसने डिस्कवर किया, वो इसने खुद बनाया था। टेलीस्कोप इसने खुद बनाई थी, और इसके अलावा मतलब बहुत सारी रिमार्केबल इंजीनियरिंग एबिलिटीज़ थी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, एंटोनी वैन लेवेनहेक। एंटोनी वैन लेवेनहेक ने क्या किया, इसने ऑब्जर्व, इसने टीनी ऑर्गेनिजम्स को देखा। कुछ कहते हैं कि रेन वाटर से देखा था, कुछ कहते हैं कि वो जो इसने जो वाटर लिया था वो पोंड वाटर था। इसने पोंड वाटर लिया और उसको अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया। जब माइक्रोस्कोप के नीचे उसने स्टडी किया, उसने देखा कि टीनी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं इस उस वाटर के अंदर, टीनी ऑर्गेनिजम्स, और उन ऑर्गेनिजम्स को उसने एनिमल क्यूल्स का नाम दिया, एनिमल क्यूल्स का नाम दिया उन टीनी ऑर्गेनिजम्स को जो इसने डिस्कवर किए थे, जो इसने माइक्रोस्कोप में देखे थे। पॉन्ड वाटर लिया था, कुछ कहते हैं कि रेन वाटर लिया था, जो रेन है या फिर पॉन्ड वाटर है, इसने देखे क्या थे, टीनी ऑर्गेनिजम्स देखे थे इसने। उसके बाद जो है जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, इन 1809 में जेन बैप्टिस्ट लेमार्क एक साइंटिस्ट था,
उसने जो है इम्पोर्टेंट सेल के बारे में बताया था, इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी थी उसने, ये कहा था कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू और नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यू। कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो सर्वाइव, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता कि अगर उसके बॉडी या उसके बॉडी पार्ट्स जो है सेल्स पर या टिश्यू पर मुश्तमिल ना हो या इनसे मिलकर ना बने हो, तो वो तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ये जेन बैप्टिस्ट लेमार्क ने कहा था 1809 में। और उसके बाद जो है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने जो एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट था, डिस्कवर किया था न्यूक्लियस सेल के अंदर, ठीक 1831 में किया था, सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद 1838 में मैथियस शील्डन आया था जो एक जर्मन बॉटनिस्ट है। अच्छा, इसकी डिस्कवरी से हमारे पास असल जो है वो पास्टुलेट्स बने थे सेल थ्योरी के। ये बॉटनिस्ट था एक जिसने, बॉटनिस्ट उन्हें बोलते हैं जो स्टडी करते हैं प्लांट्स की, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, स्टडी करते हैं प्लांट्स की, उन्हें हम बॉटनिस्ट बोलते हैं। तो इसने जब प्लांट्स को स्टडी किया, इसने कहा कि प्लांट्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये किसी न किसी इंडिविजुअल सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसने एक स्टेटमेंट दी थी, ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स विच आर फुली इंडिपेंडेंट। ये स्टेटमेंट इसने दी थी बॉटनिस्ट मैथियस शील्डन ने। उसके एक साल बाद 1839 में थियोडोर श्वान ने, एक जर्मन जोलॉजिस्ट था, उसने जो है उसने भी एक स्टेटमेंट दी थी, अपनी स्टडी किया था एनिमल्स के बारे में। जोलॉजिस्ट हम उन्हें कहते हैं जो स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। उसने कहा था कि ऑल एनिमल टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, कि जितने भी एनिमल टिश्यूज़ हैं वो भी क्या होते हैं, कंपोज्ड होते हैं एनिमल सेल्स के। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में उसने बताया था, आप लोग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। उसके अलावा जो यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स वगैरह, किंगडम्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये तो इन दोनों के वर्क से जो है हमारे पास पहला पास्टुलेट जो है बना था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंपोज्ड होते हैं वन और मोर सेल से। आपने पढ़ा है यूनिसेलुलर सिंगल सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो बहुत मोर सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो पहला पास्टुलेट हमारा इन दोनों की डिस्कवरी से आया था। उसके बाद जो है 1855 में जो है रोडोल्फ विर्चू, एक जर्मन फिजिशियन, उसने जो है एक बायोलॉजी में उसने अपना फंडामेंटल रोल प्ले किया था, और उसने बताया था कि उसने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया कैसे, उसने अपनी एक स्टेटमेंट दी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स पे। वैसे उसने ये अपनी स्टेटमेंट जो है एक अपनी ही ज़ुबान में दी थी, ग्रीक था, तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये है कि ऑल लिविंग सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, के जितने भी सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब पहले से ही मौजूद जो जिंदा सेल्स हैं उनके डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं, किसी भी बेजान चीज़ से या किसी भी ऐसे सेल खुद ब खुद नहीं बन जाते, बल्कि जो हमारे पास पहले लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं, लिविंग सेल्स, उनके डिवीजन से न्यू सेल्स बनते हैं। मतलब ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये जो है रोडोल्फ विर्चू ने कहा था। इन 1862 में लुईस पास्टर ने एक्सपेरिमेंटली जो है इसको प्रूफ किया था, इस आइडिया को 1862 में। इसके बाद जो है हमारे पास ये तीन बेसिक पास्टुलेट्स आए थे सेल थ्योरी के, मतलब पूरी थ्योरी का जो है हमारे पास जो है वो खुलासा जो है उसका इन थ्री पॉइंट्स में आया था। ये जो हम लोगों ने तो बिल्कुल ऐसे पढ़ लिया जैसे इस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया, इस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया, लेकिन ये जो है इसमें पूरी पूरी ज़िंदगियाँ लग जाती हैं उन लोगों की, साइंटिस्ट की, वो जो है उनके पूरा वर्क होता है, पूरा स्टडी करते हैं वो, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, डिडक्शंस वगैरह बनाते हैं, मतलब पूरे एक बायोलॉजिकल मेथड से वो गुजरते हैं, तब जाके जो है उनके पास ये पास्टुलेट्स स्टडी करते हैं, पास्टुलेट्स आए थे उनके पास कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द
बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज हम ये जानते हैं कि सेल्स के एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। सेल नहीं है तो लाइफ ही नहीं है। सेल्स एराइज होते हैं डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स से, यानी कि सेल जो है हम खुद ब खुद नहीं बन जाते सेल, बल्कि पिछले जो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन से नए सेल्स बनते हैं। तो ये थ्री मेन पास्टुलेट्स है। यहाँ पे अक्सर जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, राइट पास्टुलेट्स अबाउट सेल थ्योरी, हु एंड व्हेन डिस्कवर, या व्हेन एंड हु डिस्कवर द सेल, डिस्कवर द सेल, सेल किस, आपको हर साइंटिस्ट का वर्क जो है आना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया था और किस सन में किया था। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है वो है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। ए सेलुलर पार्टिकल्स वो होते हैं जो सेल्स के कंपोज्ड नहीं होते, जबकि सब सेलुलर पार्टिकल्स वो होते हैं, सब सेलुलर पार्टिकल्स आप लोगों ने पढ़ा था सेल से भी छोटे सब सेलुलर पार्टिकल्स जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और वो किससे बनी होती हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह से, मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ा भी था कि अरेंज देम सेल्फ इन सच अ वे दैट द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो दीज आर द, और ए सेलुलर पार्टिकल वो होते हैं जो कंपोज नहीं होते सेल के। अब इनकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, वायरस, वायरस एंड प्रायोन्स, वायरस प्रायोन्स एंड वायराइड्स, वायराइड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये क्या हमने पढ़ा था कि ए सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं वायरस प्रायोन्स एंड वायराइड्स। ए सेलुलर मतलब ये कंपोज नहीं होते, ये सेल्स के नहीं बने होते, इसीलिए हम क्या करते हैं इनको बॉर्डर लाइन बोलते हैं, क्योंकि इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स किससे मिलती जुलती हैं, एनिमल्स से मिलती जुलती हैं, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स किससे मिलती जुलती हैं, प्लांट्स से मिलती जुलती हैं। ठीक, सॉरी, कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से, कुछ जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती जुलती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ए सेलुलर पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था कि ये क्या होते हैं, ये इनकी लिविंग करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो है इन डीएनए से मिलकर बने होते हैं, डीएनए प्रोटीन्स वगैरह इनका मौजूद होता है, वायरस का, वायरस का डीएनए से कंपोज्ड होते हैं, लेकिन क्या कि ये इनकी ये खुद ब खुद जो है वो ग्रो नहीं कर सकते नंबर में, बल्कि क्या करते हैं ये किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिस होस्ट के अंदर ये डिजीज़ वगैरह काज करते हैं, उन लिविंग होस्ट के अंदर क्या करते हैं, ये लिविंग होस्ट के अंदर क्या करते हैं, उसकी मशीनरी को, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, अब ग्रो करते हैं नंबर में। मतलब ये ऐसे ही खुद ब खुद पड़े हुए ऐसे ग्रो नहीं करवाते, और ग्रो कराना किसकी खसूसियत होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसीलिए हम इन्हें क्या कह सकते हैं, समटाइम हम इन्हें कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, लेकिन उसी टाइम जो है ये नॉन लिविंग करेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो होते हैं ये ए सेलुलर पार्टिकल हैं, सेल्स से अरेंज नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, तो ये यहाँ पे जो है वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी कि ये सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती है, जैसे कि नंबर में इंक्रीज होना, ठीक है, अपनी करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट करना नेक्स्ट जनरेशन में, ट्रांसमिट करेक्टरिस्टिक्स इन नेक्स्ट जनरेशन में, क्योंकि ये सारे क्वालिटीज़ तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है। ठीक है, लेकिन वहीं जो है ये नॉन लिविंग से भी रिलेट करते हैं, नॉन लिविंग से भी रिलेट करते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, और इसीलिए हमने इनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई स्पेस नहीं दी थी, इनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने कोई स्पेस नहीं दी थी, क्योंकि हमें ये नहीं, हम इनको बॉर्डर लाइन कहते हैं, ना तो हम इनको लिविंग कह सकते हैं ना ही इनको नॉन लिविंग कह सकते। ठीक है, अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों ने होमवर्क में वर्क बताना है, आप लोगों ने होमवर्क में साइंटिस्ट का, हर साइंटिस्ट का वर्क बताना बकायदा हेडिंग्स डाल करके, अरिस्टोटल ने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एंटोनी लेवेनहेक ने क्या किया था। ठीक है,
सारे वर्क बताने हैं और पोस्टुलेट्स भी लिखने हैं। इसके अलावा सब सेलुलर और या फिर ए सेलुलर पार्टिकल्स, हम इन्हें पार्टिकल्स कहेंगे, ऑर्गेनिज़म्स नहीं कहेंगे। ऑर्गेनिज़म्स अगर हम कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो सेल्स से मिलकर कंपोज्ड हुआ है, इसीलिए हम उन्हें क्या कहेंगे, ए सेलुलर पार्टिकल्स, यानी कि ए सेलुलर पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ठीक है, कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स इसकी लिविंग ऑर्गेनिज़म से मिलती है और कौन सी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनकी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म से मिलती है। ये आप लोगों का होमवर्क है और आप लोगों ने लाजमी करना है।